पानी से बहुत दूर जाना है, बहुत 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 दूर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज 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 चलो यहाँ से। देखो भानी, तुम जो कह रही हो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तुम अंदर चलो, मैं आता हूँ। प्लीज नहीं, तुम मेरे साथ चलो। मैंने क्या कहा? चलो मेरे साथ। दिमाग खराब हो गया उस लड़की का, ये सब चल क्या रहा है? वो थेपले भी ना रख लेते हैं और सगाई की सामग्री भी रख ली है। मुझे तो लगता है बानी ना हमें 5-स्टार होटल में लेके जाएगी एंगेजमेंट के लिए। चलिए सब लोग जल्दी चलिए। बानी सब चल क्या रहा है? मैंने कहा ना कि हमें घर छोड़ना है। क्यों छोड़ना है घर? दादी जी यहाँ पे खतरा है। खतरा? हमें खतरा है तो सबसे ज्यादा तुझसे है। ओ भाई साहब, बित्ती सी मेरी बेटी, आप जैसे भीमकाय आदमी को उससे क्या खतरा हो सकता है? आप भी ना जैसे सास कहे ना, बहू को तो खतरा समझ आती है। आपकी बीवी कहाँ है? चाची मुद्दा वो नहीं है। हाँ लेकिन वीर माँ कहाँ पे? वो माँ को हमने सेफली कहीं पहुँचा दिया, वो बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। ठीक है ठीक है। चाची महक देख, कुछ चीजें ना हमारे हमारे समझ के परे होती हैं, और फिलहाल आप बस इतना समझ लीजिए कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। चलिए। इसका मतलब हम लोग 5-स्टार होटल नहीं जा रहे? ये तपिश और मीरा की सगाई का क्या होगा? होगी होगी, वहीं होगी, जहां हम जाएंगे वहीं होगी। लेकिन उससे पहले हमें वहां पे सेफली पहुंचना होगा, सब कुछ होगा वहां पे। उससे पहले मुझे आप लोगों को बचाना है। बचाना है? तू हमें बचाएगी जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है? तू हमारा भला करेगी? तू आदि लैट प्लीज इनफ। मेरी ना आपके लिए भी यही राय है मिस्टर बलवंत सिंह खानिया। पानी वो कैसे बात कर रही है? ससुर है तेरे? चाची प्लीज, सचमुच मुझे आप लोगों की कोई परवाह नहीं है, वीरांशु को है। आप लोग वीरांशु के परिवार हैं, बस उसी एक वजह से मैं आप लोगों को अपनों की तरह बचाऊंगी, वरना मैं तो वीरांशु को आप लोगों के सारे काले कारनामे। कहाँ जाना? पवन जी मैं भी वही पूछ रही हूँ कि जाना कहाँ है? एक जगह है, यहाँ से काफी दूर है। चाची प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए और आइए मेरे साथ। ये कौन सी जगह लेकर आई है हमारा खून जमाने? तो ये है तेरा महान प्रोटेक्शन प्लान। यहाँ रहेंगे हम सब लोग? यहाँ नहीं डैडी जी, वहाँ वहाँ ऊपर तक गाड़ी नहीं जा सकती। तो हम क्या वहाँ हेलीकॉप्टर से जाएंगे? जाएंगे ना, कदम मिला मिला के आगे बढ़ेंगे। What? जी बेबी, बुट मैंने तो हील्स पहनी है। तो जानू मुझे ले जाओ जूते। इसकी तो खाने की आदत है। तेरा दिमाग खराब हो गया वीर, जो तू इस पानी की बात पर। डैड, पानी को मेरे और मेरे परिवार की असलियत शादी के पहले से ही पता थी। देखे ना, किसी को नुकसान पहुंचाया उसने? नहीं। और तो और मेरी असलियत जानने के बाद भी उसने इस रिश्ते को नहीं तोड़ा। इससे बड़ी ईमानदारी वफादारी का सबूत हो सकता है? वीर एक मिनट, डैड मेरी बात मानिए, मैं जैसे भरोसा करता हूँ ना इस पर, आंख मूंद कर आप भी कर ही लीजिए। लेकिन अभी चलते हैं। Come on, come on, guys. Come on, मेरे पीछे आओ। Come on, guys, come on. इतनी इमोशनल मत हो, गुस्सा में अभी भी हूँ। तुमने जो किया उसकी भरपाई तुम्हें करनी ही होगी। चलो।
आपको इस समुद्र से बहुत ऊपर इस ऊंची पहाड़ी पर ले जा रही हूँ। इसके बाद मेरे परिवार पे कोई खतरा नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इनका। डरावनी नहीं अंदर आ जाए। मेरा दिया अब ठीक है। मानी, मैं तुमसे पूछने ही वाला था। तुमने कहा था कि मेरा तुम्हें शावर की मिली थी उस हालत में, मतलब सब हो गया ना? मैं चाची वगैरह को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए ये बात मैंने सिर्फ आप ही से शेयर की और किसी से नहीं की। बानी, मैं ठीक हूँ, तुम लोग रिलैक्स करोगे? इस जगह के बारे में बात करें, कितनी अच्छी जगह है। Yeah, actually I like this. It's a nice place. हटाओ इस चूहे को। अबे चूहे से डरता है? नाक कटवाएगा क्या? बानी, बानी, तुम लाइफ में अगर मेरे लिए कुछ भी करना चाहती हो, इससे बात करना बंद करता हूँ। तो किससे करे? तुझसे? फिर से स्टार्ट हो गया तो? हाँ, कहा ना? क्या कहा ना? हाँ? सबके साथ मत कर। प्लीज 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 जयविरांशु, प्लीज लड़ना बंद करो और इस जगह को अच्छे बनाने का सोचो। क्या अच्छा बनाना? रहने की जगह है या मुश्किल से दो कमरे? भेड़ बकरियों की तरह घुसके रहेंगे हम यहाँ पे? चिल चाचू, सब एडजस्ट हो जाएगा। और वैसे भी आज रात कोई नहीं सोने वाला, एंगेजमेंट पार्टी होगी आज रात को। एंगेजमेंट पार्टी? और यहाँ? ये तो इतना गंदा है। सब साफ हो जाएगा अभी और इसी वक्त। वीरांशु, मैं साफ करता हूँ अभी। तपिश, अरे अरे मुझे दीजिए ना, मैं संभालता हूँ इसको। मीरा, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुमसे ना उस दिन बहुत रूडली बात कर ली थी। एक्चुअली वो क्या है कि मेरे भाई लोग हैं ना गधे, वो मेरी टांग खींचने में लगे थे और मैं पागल उनकी बातों में आ गया। इट्स ओके तपिश, तुमने शादी से पहले ही अपनी गलती मानना सीख ली, यही बहुत अच्छी बात है। चलिए एंगेजमेंट का टाइम शुरू हो चुका है, आ जाएं दोनों परिवार। चलिए आइए आइए। हाफिज भाई, मुंह मीठा मुंह मीठा मिठाई। चलो चलो चलो, बस बस बस। अरे जीते रहो, जल्दी शादी करो, ढेर सारे बच्चे पैदा करो। चलिए ये सब तो हो गया, आप थोड़ा डांस शांस महफिल में रंग भरा जाए। क्यों यो, तबिश भाई की शादी है आज, तो नाच गाना बल्ले बल्ले तो बनता है। व्हाट्स अप गाइस, भाई साहब एक काम करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं बड़े और बच्चों के बीच में। और नहीं, लड़की वाले और लड़के वालों के बीच में मुकाबला करते हैं। नहीं नहीं, गर्ल्स वर्सेस बॉयज। जो भी करना जल्दी करो, चलो सारे मर्द इस तरफ आ जाओ। हाँ चलो 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 चलो। जय बाबू, सारे मर्द इधर आ जाओ। आप कहाँ चले? क्योंकि तो विश्वास नहीं है। हम पहले गए। ओके okay. अरे पर पहले वो तो शुरू करो, क्या कहते हैं? अरे मम्मा ये मॉडर्न अंताक्षरी है, हम गाना शुरू करेंगे वो पीछे पीछे गाते रहेंगे। चलो ठीक है शुरू करो। हाँ
वाणी बताएगी भी ये सब चल क्या रहा है? बेटी जी मुझे खुद नहीं पता, मुझे पता चल जाएगा मैं आपको बता दूंगी। अरे बड़े पापा हमारी हेल्प करो ना, हम फंस गए। समुद्र का पानी इतना भरा पहाड़ों को कैसे छू रहा है? मुझे तो लगा था हम यहाँ आएंगे तो हम खतरे से बाहर हो जाएंगे, लेकिन ये पानी जरूर इसके पीछे कोई चित्रकाल की ताकत जुड़ी है, वरना हाई टाइड में भी समुद्र का पानी इतना ऊपर कभी नहीं आता। मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं अपने परिवार को, कैसे बचाऊं तुम्हारे परिवार को विराज? बोलो, तुमने विरांशु कहा ना, बोलो। सब नीचे क्या कर रहे हैं? गाना सोच रहे हैं। तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो पानी? हाँ नहीं, मैं... तुमने कहा नहीं मुझसे, लेकिन मैं तुम्हें देखा उन उफनती लहरों को देखते हुए। मुझे पता है हमें इस समंदर से खतरा है, मैं तुम्हें उफानती हुई लहरों को देखते हुए देखा। नहीं वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स, तुमने प्लान ही इतना कमाल का किया है, सब कुछ इंतजाम परफेक्ट है, पक्का। घर के पीछे तुमने नाव भी खड़ी कर दी है, परफेक्ट है सब कुछ। और मैं ये भी जानता हूँ तुमने ये सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं किया, मेरे परिवार के लिए भी किया है, जिनसे तुम नफरत करती हो, और नफरत अपनी जगह जायज है, फिर भी तुम उनके लिए शायद ही भरपाई है जो मैंने तुम्हारी माँ के साथ किया उसके बदले। पानी तुम पहले ही माफी मांग चुकी हो, ठीक है, और तुमने जो किया वो शायद उस वक्त जरूरी था, इसलिए किया तुमने, और मैं अभी वही कर रही हूँ जो जरूरी है हम दोनों परिवारों के लिए। और मेरे लिए कुछ कहा तुमने? How will you make it up to me? परिवार तो ठीक है, मेरे लिए क्या? गाना मिल गया उन्हें। बात मत बदलो, सवाल का जवाब दो, मेरे लिए क्या? विरांशु, देखो मैं तुम्हें बस इस गाने के लिए एक बार बाहों में लेना चाहता हूं, सिर्फ एक बार। सिर्फ तुमसे ये कहना चाहता हूं पानी, कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा। तुम किसी परेशानी में रहोगे तो मैं उस पर तुम्हें उस परेशानी से लड़ूंगा, किसी दुख में डूबोगे तो तुम्हारे साथ डूबूंगा, और किसी
राग होने तक। थैंक यू मत कहना, क्योंकि सॉरी से बड़ी गलती होगी और वो इस डांस से बड़ी सजा होगी, समझे? लड़की ब्यूटीफुल कर गई चोल। नाश्ते है ना? आंटी एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं आता हूँ। अरे मैं आता हूँ। भाई साहब, भाई साहब आप आओ ना। अरे आप ही आ जाओ। अरे आओ, अरे आइए आइए। ओए मीरा को तो बुलाओ। मैं घर जा रही हूँ। मीरा, मीरा रुक जाओ, मीरा के खाई है, रुक जाओ मीरा तुम गिर जाओगी। मीरा, छोड़ो, छोड़ो मुझे, घर जाने दो, छोड़ो मुझे। मीरा, होश में आओ, होश में आओ मीरा, होश में आओ, आगे खाई है मीरा तुम गिर जाओगी, मर जाओगी, होश में आओ। कैसे आए? हम तो घर पे थे ना। यहाँ घर बाहर कैसे आए हम? तुम्हें क्या करने जा रही थी मीरा, गिर जाती तो मर जाती। चलो एक काम करो, चलो घर चलो, भानी को बताते सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है सब कुछ तुम्हारे साथ ही हो रहा है और किसी के साथ भी नहीं। और भानी ने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था शावर में। हाँ तुम चलो मेरे साथ, मीरा घबराओ मत, सब ठीक हो, सब ठीक हो, हम सब ठीक करेंगे। चलो आओ 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 आओ, कम 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 कम।
से तुमने जैसे बात की। हाँ, तुम्हारे प्यार में क्या क्या करना पड़ता है स्वीटहार्ट। मैंने उस ढाबे वाले से बात की, वो घर के पीछे नाव तैयार कर रहा है। इसे हमें निकलना कब है? घर वालों को चौंकना भी करना होगा। राजू जल्दी, अभी फौरन सबको जल्दी बुलाओ, चलो। क्या बकवास है, अब हमें ये घर भी छोड़ के जाना पड़ेगा? ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? मैं भी यही पूछ रही हूँ तुझसे बानी, ये हो क्या रहा है? हम कोई खजाना ढूंढ रहे क्या? कभी इस टापू कभी उस टापू। मम्मा मैं बोट से नहीं जाऊंगी, समुद्र का पानी बहुत खारा होता है। और मेरे बाल? अपने बाल नहीं, अपनी जान बचाने की सोचो, हमारी जान खतरे में, हम सब की। एक काम कर, इन सबको लेके जा, हम नहीं आने वाले तुम्हारी नाव में। तो भाई साहब आप कैसे जाओगे, तैर के? उड़ के। कम ऑन गाइस, चलो बोट रेडी, कम ऑन। जय पानी की फैमिली को लेकर यहाँ से निकलो जल्दी। लेकिन वो मीरा, तपेश, वो बानी। प्लीज तपेश भाई, अभी नहीं, हमें यहाँ से फौरन निकल। मीरा दी, क्या हुआ? ठीक, सब कुछ ठीक है? ये मीरा क्या हुआ? बानी इस बारे में बाद में बात करते हैं। जय वक्त नहीं हमारे पास, लेके निकलो इन्हें जल्दी। चलो चलो चली जाइए, सब चलो, कम ऑन। आप लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पे? चलिए 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 आइए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। बहुत नाच के हमें इस नागिन के इशारों पे। एक बात कान खोल कर सुन ले, ये इसकी प्लानिंग है हमें हमें फंसाने की। आपको लगता है कि उड़ के जाना ठीक है? आपको ऐसा लगता है डैड? तो ठीक है, हम उड़ के चलते हैं, चलिए आइए। अगर ऐसा करना है ना, मौसम का हाल देख लीजिए, ये देख लीजिए कि इस मौसम में आप कितनी दूर तक उड़ पाएंगे, ये सोच लीजिए। दादी जी मैं जानती हूँ कि आपको गुस्सा आ रहा है, चिड़ मच रही है, मुझे भी आ रही है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही, हम सबकी जान खतरे में है, वाकई खतरे में। इस मौसम में नाव चल जाएगी तुम्हारी, डूबेगी नहीं। हमारे पास बस यही एक रास्ता है, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं चलना है तो फिर मैं। प्लीज जिद मत कीजिए, चलिए। चलिए डैड, डैड बहुत हो गया, इनफ। प्लीज डैड इनफ। ठीक है, मरेंगे तो सब साथ में मरेंगे, लेकिन एक बात सुने, मेरी समझ में नहीं आ रहा, कभी तो मेरी तरफ होता है, कभी इस नागिन की तरफ। बदल गया है तू। आई लव यू डैड। चलिए चलिए चाचो। क्या मैं सच में तुम्हारे कारण बदल गया? ये हम बाद में बात करें, प्लीज विरांचो चलो। ये पानी का लेवल इतना ऊपर आ गया, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। यार अगर मुझे सी सिकनेस हो गया तो उल्टियाँ हो जाएंगी। घबराओ मत बेबी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे बाल ऐसे पकड़ लूंगा, फिर जम के उल्टियाँ करना, ठीक है? मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है। कोई बात नहीं बेबी, तुम मेरा हाथ पकड़ लेना। हम जब यहाँ आए थे तो वेदर इतना खराब नहीं था, अचानक क्या हो गया? और आगे पता नहीं क्या क्या होने वाला है। अरे बोट कहाँ है? मेरे पीछे आओ, कम ऑन। चलो चलो। नाव कहाँ है? ये तैर रही है, इसके तो टुकड़े टुकड़े हुए पड़े। पानी पानी ऊपर आ रहे, मेरे ऊपर छींटे आए, सब भागो नहीं तो कोई नहीं बचेगा, भागो भागो यहां से।
आ रही है, कोई नहीं बचेगा। अंदर चलते हैं, अंदर चलो, चलो अंदर। अंदर जाने से कोई फायदा नहीं है, वो घर भी बह जाएगा। मतलब हम सब मर जाएंगे। दहक, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम सब बच जाएंगे। बस एक दूसरे के हाथ पकड़ के रहो और हाथ किसी भी हालत में छोड़ना मत। कोई रास्ता नहीं है। प्लीज, इन सब का चक्कर छोड़। हम चील हैं, हम इसे आराम से काबू कर सकते हैं। नहीं डैड, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस मौसम में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हम सब मर जाएंगे। हम डैड से बिना मिले मर जाएंगे। मैंने क्या कहा? डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे। मैं भी हूँ। अरे तुम सब हो के भी क्या? चलो सब लोग कस के अपना हाथ पकड़ो। सब नीचे झुको, अपने घुटनों पे आओ। पानी, 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 फिर आंशु बिल्कुल तुम्हारे साथ हूं। फिर आंशु तुम ठीक हो ना? Thank you.
तुम ठीक हो, ऑफकोर्स ठीक होगी, उसकी बाहों में हो जिसे तुमने चुना है। मतलब कि उस समंदर की लहर को कटकने के बाद, बेहोशी की हालत से होश में आने के बाद मैं सिविलांशु से कहा, तुमने सबसे पहले मेरा नाम लिया, मुझे चुना अपने पति को। एक मिनट, मैं भी आया, आराम से लेटवा। वाली, एक सेकेंड, इसे यहां रखो ऐसे आराम से। वैसे आज तुमने सबकी जान बचाई आदि नागिन, तुम ठीक हो ना? चलो जल्दी से दूध पी लो, चलो। पानी, तुमने उस जय के ऊपर मुझे चुना है, इसका मतलब तुम जबरदस्ती शादी में नहीं, अपनी मर्जी से हो। तुमने पति देव की हर एक बात माननी पड़ेगी। इसे हटाओ, मैं दूध नहीं पीती। देखो, अगर तुम नहीं पियोगी ना, तो मैं कह रहा हूँ मैं कुछ कर लूंगा। फिर बाद मत कहना कि मतलब क्या करूं बेटा, क्या बाद में ना कहूं? मैं कसम से कुछ कर लूंगा। क्या करोगे तुम, वही तो मैं पूछ रही हूँ। किस अपनी पत्नी को किस कर लूंगा? ऐसी हिम्मत नहीं करोगे तुम। मैं आज कुछ भी कर गुजरूंगा, पता क्यों? क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे इतनी खुशी दी, मन कर रहा है कि यहाँ पे मैं जोर जोर से उड़ूं। एक्चुअली मत पियो, खाना मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा अपनी पत्नी को, घरवाली को पहले किस करने। यार ये बीवियां भी ना, और आज मैंने तुम्हें हाथ इसलिए दिया क्योंकि तुम मुझे वहां देख गए। बकवास, शट अप। तुमने मुझे चुना उस जय के ऊपर, तुमने मेरा हाथ थामा, इनकार किया ना, तो दूध पी लिया है मैंने। रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कर रहा क्योंकि तुमने आज सब कुछ कर दिया। पानी, मुझे ऐसे बैठा हुआ था, तुमने उसका हाथ लिया, मेरा हाथ लिया, चमट पड़ा उसके, मजा आ गया, चेहरा देखने वाला था साले का। फिरांशु प्लीज, ये मत भूलो कि वो अभी मेरा दोस्त है। ओके, उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, तुम अभी उसकी तरफदारी कर रही हो। फिरांशु, मैं जानती हूँ कि उसने जो कुछ भी किया गलत किया, उसने अपनी गलती को माना है और अब वो हमारी तरफ है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अभी मेरा दुश्मन है वो। फिरांशु मेरी बात सुनो। क्या क्या? वो तुम्हारा भाई है। बस करो, कुछ भी हो जाए तुम इस सच से भाग नहीं सकते, जय तुम्हारा भाई है। पानी, तुमने अगर एक और शब्द कहा ना उस चीपड़ चाय के बारे में तो आज भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरा, तुमने मुझे चुना। सच ओके, मैंने सच में तुम्हें नहीं चुना, तुम मुझे वहां खड़े हुए दिख गए, इसलिए मैंने तुम्हें हाथ दिया था। से अच्छा, हाँ क्या है? क्या फंसे तो फंसे, अब देखना तुम, तुम देख लेना, अब तुम मेरे पीछे आओगी, मुझे ढूंढोगी और कहोगे कि तुम जबरदस्ती शादी में नहीं हो, तुमने खुद मुझे चुना है। नो, हाँ नहीं, हाँ नहीं, नहीं, हाँ हाँ, देख लिया, नहीं, हाँ हो गया, नहीं, हाँ हो गया। मैंने नहीं कहा, तुमने मैंने हाँ नहीं कहा, तुमने अभी मैंने हाँ नहीं कहा, तुमने अभी मैंने हाँ नहीं कहा, तुमने अभी हाँ कहा, मैंने नहीं कहा। Thank you.
वो अभी भी हमारी बानी है। और वो कोई छोटी मोटी सांप नहीं है बल्कि आदि नागिन है। नहीं नहीं, आदि नागिन नहीं, वो पूरी नागिन थी। अरे माँ, उनका कहने का मतलब ये है कि बानी वो पहली सांप है जिसे शिवजी ने इच्छाधारी होने का वरदान दिया था सतयुग में। हे राम, वो राम जी के जमाने से। मेरा तो बानी की एज क्या है? वो अगर इतनी बुढ़ी है तो इतनी यंग कैसे दिखती है? वो क्रीम कौन सी लगाते हैं सांप लोग? क्रीम पाउडर की पड़ी है, और कुछ दिखाई नहीं देता। देखा ना मैंने आज सांप। आंटी आप घबराइए मत, आप आइए, आप बैठिए। देख, देखा वो? हाँ मैंने सब देखा, आप आइए आइए आइए। इतनी बड़ी सांप बन गई? रितु आंटी, ये दुनिया केवल इंसानों की नहीं है। इस दुनिया में केवल हम इंसान ही नहीं है, और भी बहुत सारे जीव हैं, जैसे सांप, जंगली जानवर, तरह तरह के पक्षी। कुछ ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये सब हमारे अपने हैं। बानी भी हमारी अपनी है। बानी आप लोगों को, वो आपको अपना परिवार मानती है, वो हमेशा आपको अपना सगा मानती आई है। इसलिए जो कुछ भी किया आप लोगों की जिंदगी, आप सबकी जान बचाने के लिए किया। पर वो अब तक उसने अपनी सच्चाई हमसे छुपा के क्यों रखी? इसकी भी कोई वजह होगी। हो सकता है कि उसे ये डर हो कि सच्चाई जान के आप सब घबरा जाएंगे, उससे नफरत करेंगे। हो सकता है। शायद तू ठीक कह रहे, पर वह तो बहुत करती है हमारी, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा इनके पापा को कैसे बताऊंगी। आप घबराइए मत, मैं हूं ना, उन्हें मैं समझाऊंगा। पलवन सर, एक मिनट इधर आइए। पलवन सर, अब तो आपको हरकत में आना ही पड़ेगा, वरना धीरे धीरे आपका सारा परिवार टूट जाएगा। पहले वीर बाबा हाथ से निकल गए, और अब वो शैतानी ताकत आपकी बीवी पता नहीं कहां भाग निकली है। घर वालों को तो यही लगता है वो तो कितनी सीधी सादी और भोली औरत है, लेकिन सिर्फ आप और मैं जानते हैं कि वो असल में क्या है। पहले वो हमारे कब्जे में थी, हमारे चंगुल से निकल के भाग गई वो, पर वीर कह रहा था कि वो किस सेफ प्लेस पे है, पर कोई नहीं जानता कि उस शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है। सर मैं यही तो कह रहा हूँ, आपको सबको अपने मुट्ठी में करना पड़ेगा, वरना वीर बाबा की तरह तपिश बाबा भी हाथ से निकल के जाता है। इन नमूनों को बता दो कि हम जी हैं, सिर पर पैर रख के उल्टे भाग जाएंगे। चांद, मुझे चांद चाहिए, चांद की रोशनी चाहिए, चांद की चांदनी चाहिए। तूने मेरा ये हाल किया है आदि नागिन, लेकिन मैं भी चंद्रकला हूँ, तेरी कैद से छूट जाऊंगी। अगर मैं ये लड़ाई हार भी गई ना आदि नागिन, फिर भी तुझे जीतने नहीं दूंगी। याद रखना, तेरे विनाश का कारण मैं ही होंगी, तेरी जान को खतरा मुझसे ही होगा, और फिर तेरा जादू मुझ पे काम नहीं करेगा और मैं आजाद हो जाऊंगी। सुना तूने, मारकाट आजाद हो जाएगी और तू मारी जाएगी, तू मारी जाएगी आदि नागिन। मतलब वीर को पता था, तुम्हें भी पता था, और मीरा भी जानती है ये बात, सबको पता था। एक मिनट, मीरा, मीरा कहाँ है? बानी? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। चाची, प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे वजह से इतना सब कुछ आपको देखना पड़ा, और मैं मीरा दी से भी यही कहना, मीरा दी है कहाँ?